नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नए यूट्यूबर्स अक्सर करते क्या है कि अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं लेकिन चैनल में कीवर्ड लगाना भूल जाते हैं और उनको आता भी नहीं है, जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो सर्च लिस्ट में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे सारा सेटिंग बताने वाला हूँ आपको और इस सेटिंग के बाद से आपका चैनल जो वो रैंकिंग में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा। सिंपल सा दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन के क्रोम ब्राउजर पे और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद से आपको एक सेटिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है और इसको डेस्कटॉप मोड पे लॉगिन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने उसका इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन नजर आने लगेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे लेकिन आपको यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे यूट्यूब स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद से सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, आपके सामने एक इंटरफेस और नजर आएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग बताएंगे उसके बाद से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों सर्च लिस्ट में लाने का, आपका चैनल जो है वो बहुत ही जल्दी 48 घंटे के अंदर जो है 48 से 72 घंटे के अंदर आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आने लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ही आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा यूट्यूब का, तो नीचे जूम करके मैं आपको दिखा दूं तो आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल दोस्तों, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो एक विंडो और ओपन हो जाएगा और यहाँ पे चार पांच ऑप्शन नजर आने लगेंगे। जनरल है, सेटिंग है, अपलोड, डिफॉल्ट है, परमिशन है, कम्युनिटी है। तो आपको सिंपल दोस्तों यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा, उसके नीचे जो है चैनल का नाम आएगा, उसके बाद से कीवर्ड्स आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड्स जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने कितने कीवर्ड्स लगाए हैं, अपने चैनल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स लगाए हैं। अगर आपका चैनल मान लीजिए कि टीचिंग लाइन से है या फिर आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, रेसिपी से बनाते हो, अनबॉक्सिंग से बनाते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, जो टैग्स है, वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, 15-20 जो है वो कीवर्ड लगाना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लगाया हूँ। उसके बाद से 15-20 कीवर्ड के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका अपना चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे लगाना होगा। सबसे ऊपर में आपके चैनल का ही नाम यहाँ पे लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने टेक्निकल फारूक भी लगाया है, टेक्निकल फारूक अलग अलग लगाया है, उसके बाद से टेक्निकल फारूक एक में भी लगाया है, ताकि मैं अपने वीडियो को कभी भी सर्च करूं तो उसी नाम से यहाँ पे सर्च लिस्ट में मेरा चैनल जो है वो आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल फारूक, उसके बाद से टेक्निकल फारूक, दोनों चीज यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों टैग जो है वो लगा हुआ है। उसी तरीके से आपको भी 15-20 टैग लगाना है, कीवर्ड लगाना है। उसके बाद से आगे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कैंसिल के बगल में सेव का ऑप्शन है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सेव कर देना है। बहुत ही कमाल का तरीका है दोस्तों। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कॉमेंट कर लें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।